जब इतना बता दिया तो नू और बता दे उसकी परीक्षा कितनी कड़ी हुई थी, उसने के दुख देखने पड़े थे सुकन्या ने, कि सूर्य का बेटा मनु होया। ये मनु भी 14 बताए लोगों, जो सूर्य का बेटा था ना उस मनु का नाम था व्यवस्थ मनु, व्यवस्थ मनु, जिसका 10 पुत्र हो, एक कन्या 11वीं कन्या नहीं था लोगो, वह कन्या बनाई गई थी, श्राप मिला था उसको, 11 तो लड़के पैदा हुए थे, आगा हो गई बात, वो कन्या क्यों बनाई थी, छोरे की भी छोरी बना दी थी लोगों, ऐसे ऐसे ऋषि महात्मा हुए हमारे हिंदुस्तान में। हे महाराज भाई बने, भाई ही बने प्लीज। सजनो लोमस ऋषि ने बताया कि राजा सरियाती जो अवधपुरी के राजा थे, रानी 4000 थी लेकिन घर में संतान को न थी। अनु का आग्रह, जब मुबारक की किलकारी ना होना तो घर सुनना सुनना लागे आग्रह लोगो। पंडित जी ने एक नोटंकी में कह रखी है कि परमेश्वर की मेहर फिरे शुभ ख्याल मिले किस्मत है, ईरे पन्ने कणी मणि कोई लाल मिले किस्मत है, पूत सुपातर चातर नारी कोई लाल मिले किस्मत है, और दाग जगर के धोवन न कोई ताल मिले किस्मत है। ये कोई शुभ कर्म था भाई संदीप का, भाई आदरणीय अंकल जी जय भगवान जी का, इस परिवार का, इस नगरी का, जो इस घर में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ऐसे पुत्र नहीं मिलता है, बड़ा भाग होता है लोगो। 4000 रानी राजा के, लेकिन कोई पुत्र कोई संतान नहीं। एक रानी, उसके एक कन्या ने जन्म लिया और उस कन्या का नाम सुकन्या रखा गया। जब वो सुकन्या 12 साल की थी तो राजा ने सोचा भाई पुत्र के बिना तो गति को ना, पुत्र तो चाहिए। ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मण बोले महाराज पुत्रेष्टि यज्ञ कराओ, जब पुत्र होगा। अब अपनी सेना ने लेकर राजपाट सबके में, प्रजा ने लेकर जंगल व्यापान में राजा सरियाती हवन कराने के लिए चले। अब लोगों राजा सरियाती था कौन? राजा सरियाती एक चकुआ था। चकुआ, हमने चकुआ शब्द बहुत सुना है। चकुआ किसे कहा जाता है? चकुआ वो होता है जिसका पूरे भूमंडल पर राज रहा हो। चकुए इस हिंदुस्तान में 6 हुए हैं, 6। पहला चकुआ कौन था? चकुए बैन मान दाता, आपने खूब नाम सुना होगा उनका, चकुए बैन मान दाता। दूसरा चकुआ राजा नहुस, जिसने ऋषियों की पालकी की सवारी करी थी। और तीसरा चकुआ हुआ राजा शिवी, जिसने कबूतर के बदले में अपना मांस दिया था। और चौथा चकुआ हुआ राजा सगड़, सतयुग में जिसके 60,000 बेटे बताए। पांचवा चकुआ होया राजा सगड़ का पोता अंशुमान, और छठा चकुआ था रोगो राजा सरियाती, जिसके यह छोरी पैदा हुई थी। अब वो जंगल बियाबान में चले के राजा सरियाती छत्तरधारी, कुटम कबीला सेना श्यारी, और यज्ञ हवन की करके तैयारी, वो चल ले बिया बान में। वो थे 14 विद्या ज्ञानी अवधपुरी, जिनकी थी राजधानी, रानी 4000 बताई, फिर भी पुत्र होया कोई ना ही। और रानी ने एक सुकन्या जाई, वा थी उम्र नादान में, वो चल ले भी अबान में। आज भी यहां बुजुर्ग बैठे होंगे जिन्होंने तीर्थ यात्रा करी होगी, कभी जाके देखना नर्मदा नदी के किनारे पर आज भी चमन ऋषि का डेरा है। वो तपस्या, वो पुत्रेष्टि यज्ञ राजा श्रीयाति ने कहा कराया के पूछ गए नर्मदा नदी के तीर, छोड़ के अपनी जन्म जागीर, परम फकीर तपे सन्यासी, पंडित लोग पढ़े हुए काशी, और भूप मंत्री रानी दासी बैठे हर के ध्यान में। सारा कुंभा वन में बैठ गया लोगो, लेकिन वो कहा कर बालक का मन चंचल होया कर। वो 12 साल की जो गुड़िया थी ना लाडो सुकन्या, उस तक डटा को नहीं गया। वो अपनी और सहेलिया ने लेके नुबली आए, अपने बाबू और तवन करे जाएंगे, चाला पी जंगल में घूम के आवांगी। लोगो आड़े तक कहानी बिगड़ी थी के उड़े था चमन ऋषि का डेरा। छोरिया ने के बराड़े बाबा जी तपन लाग रहा कोई, उड़े था चमन ऋषि का डेरा, सजनो किसे किसे ने बेरा, और चेहरा ऋषि का ना देख्या भाड़ा, डिमक चढ़ रही मोटा चाला, और आंख चमकती जुगनू की ढाला, जनू दो तारे आसमान में। वो चल बियाबान में वो छोरी ओड़ा पहुंच गई, और वहां चमन ऋषि समाधि लाए बैठा। और वो समाधि क्यों लगाई? क्योंकि चमन ऋषि ने आदेश दिया था उसके पिता ने चमन ऋषि को कि बेटा दुनिया दुखी है,
तू ऐसा जतन कर, कोई जड़ी बूटी तलाश कर, देवताओं को राजी कर, जिससे इस दुनिया के दुख दूर हो जाए। वो समाधि लगाते लगाते बहुत समय ऐसा बीत गया, दिमाग जाम गई लोगों शरीर के ऊपर, केवल आंखों की रोशनी बाहर चमकती है। आज जब वह छोरी ओड़ा पहुंची वह सुकन्या उन्हें लेके, तो समाधि का नजारा देखियो लोगों, वह समाधि क्यों कर लाग रही थी ध्यान देना, और वह के अनुमान लगाने लगी इसमें कौन है, कौन लुक रहा होगा, नुकानु सीन तार रखा पंडित जी ने। समाधि को देखकर वो सुकन्या सखिया क्या कहती, समाधि चमन ऋषि की और यज्ञ के राजे दरे सारे सखी सुकन्या देखन लगी जन में चमक के तारे चार पांच सहेली थी वो, और उनकी लीडर सुकन्या, वह नुली बेबे तू तो अकेला ना खड़ी हो जा, पहले एक सखी आगे न हुई 10 कदम, अनुली बेबे मैं बताऊंगी यो जो माटी वर्गा ढेर दिखा ना माटी वर्गा, युवा समाधि उन माटी वर्गी लाग गए क्योंकि दिमाग जाम रही ऋषि के शरीर पर। नुली बेबे मैं बताऊंगी इसमें कौन है, अनुमान लगाती है पहली, मारे बुड्ढे वो शब्द प्रयोग क्रिया करते, आजकल वो शब्द छूट गया, एक शब्द होया करता हमारा बहुत प्रचलित हरियाणवी, उस शब्द का नाम था अलबत्ता। अलबत्ता का मतलब है मान लो या चीज हो सके है। पहली कलिमा पहली सखी ने के अंदाजा लगा, समाधि देख के कहने लगी ए अलबत्तायो शेष नाग से, मृत लोक में आया से, अलबत्तायो विष्णु से लक्ष्मी ते रूप छपाया से, अलबत्तायो ब्रह्मा से जिन अपना ब्रह्म फैलाया से, अलबत्तायो शंकर भोला जिन अपना क्रोध तपाया से, अलबत्तायो सूरज सखी ने यो बात बताई कि वे बेशाला गए जो इसमें भोला भगवान लुक रहा है, नुकन दिए हर दूसरी सहेली नुबली जाए ना बावड़ी नरी झूठ बगावे है तू, तो फिर तू आ जा तू बता दे दूसरी सहेली ने क्या अनुमान लगाया देख के। नुबली बेबे मन नहीं शाला कहे भाई मेरे आदमी भाई विंटू 201 रुपए समान समान देते हैं भाई साहब का बार बार धन्यवाद। दूसरी सखी ने के अंदाजा लगाया देख के समाधि क्या कर,
के चतुराई काल भूल गया, के चतुराई काल भूल गया, दबिया पड़ा माटी के मां, के कोई राजा मार भूल गया, दबिया पड़ा माटी के मां, के कोई मूर्ख लाल भूल गया, दबिया पड़ा माटी के मां, के की दरिया चाल भूल गया, दबिया पड़ा माटी के मां, के कोई दरिया चाल भूल गया, दबिया पड़ा माटी के मां। शरण न शरण ने ओरी से, शरण न शरण ने ओरी से, जनु नारद जी गाना गा रहे, विश्व प्रजा जन बाकी जन देखना कभी विचार के देखना, आप तो किसान हो, बाड़ू का अगर टिल्ला हो बाड़ू रेत का और उसमें कोई कीड़ी बढ़ जाए तो माटी एकदम नहीं पड़े, अगर ऊपर तावगी वो माटी शरण न शरण कर दी बालू की माटी। दूसरी सहेली ने उलिबे बे मने ईशा ला गई, इसमें कोई कीड़ी बढ़ रही है क्यों ऋषि थोड़ा बहुत लटे लो माटी आल। तीसरी सहेली ने उबली नरी झूठ तन न बोल दी, तू भी गेले ना आ जाए मेरा नंबर है मैं बताऊंगी इसमें कौन है। लगो तीन प्रकार के ताप बताए, ताप यो नहीं जो हमारे शरीर पर चढ़ा अगर टाइफाइड मलेरिया दखड़ा फलाना, वो ताप कौन से हैं? अधिदेव अधिभूत और अध्यात्म, तीन प्रकार के ताप होते हैं, जैसे तीन काल होते हैं तीन लोक होते हैं। तीसरी कली में तीसरी सखी नु कहने लगी बेबे मना ही साल आ गए हैं किसान, प्रताप यगसा पुण्यते प्रताप यगसा, तीनों ताप खड़े से ईरे पन्ने कणी मणि धरती परतन पड़े से, लाल लाल और भूरे भूरे के सूस्य फूल झड़े से, मेरी सीढ़ी काया ओई देख मेरे पछले पाप हरे से, मेरी सीढ़ी काया ओई देख मेरे पछले पाप हरे से, हे अश्विनी कुमार सूर्य के के, अश्विनी कुमार सूर्य के के, जंगल में हांडे मारे मारे सुपना खड़ लागी और आखिरी में चाय भी पीते रहो कथा पर आपका ध्यान हो, सुकन्या का नंबर आ गया नुलित हम सारी झूठ बोलो हो, एक मिनट में तोल पाट दूंगी इस माटी में सह कोण के बीमारी है। लोगो आड़ा तवा कहानी बिगड़ी, हमारे आदरणीय विजय प्रधान जी बहुत मान सम्मान पहले दिया, 100 रुपए से और आशीर्वाद बार बार धन्यवाद। मेरे आदरणीय सतीश जी बड़े रागनी प्रेमी, 100 रुपए से मान सम्मान बार बार धन्यवाद। और वो सुकन्या वो सखी नाटे उसने नूरे तू रान दे कि मैं जुलम कर बैठेगी, लोगो डटा कोने का नु कागर बाल अठ त्रिय अठ राज अठर योग अठ, जब अठ पा जा तो उल्टे नहीं अटैक करते। सुकन्या ने बोली मैं भेद पाड़ूंगी थारा बस की बात को नहीं, इसमें कौन से जब कोई आदमी तो होगा तो ईव लकड़ के भाग जाएगा,
पहले तो अनुमान लगाया, चारों युगों का अनुमान लगा दिया, लोगों कौन कौन से क्या कहती है। के कलयुग लुकरा, कलयुग लुकरा इस बंबी में, कलयुग लुकरा इस बंबी में, सतयुग के डर का माया, के कलयुग लुकरा इस बंबी में, त्रेता के कर का माया, कलयुग लुकरा इस बंबी में, द्वापर के घर का मारा, श्री लखनी चंदी लुकरा बंबी में, की हर का मारा, ऐसी ऐसी मूर्त बनी उस समाधि की जैसे कोई सांप का घर हो, और सांप के घर को हमारी भाषा में बम्बी कहा जाता है, बम्बी जहां सांप